साथियों, जैसे कि गुणनखंड भाग एक और दो में आपने जाना कि किस प्रकार से गुणनखंड में हम सर्वसमिकाओं और भाग की क्रिया का प्रयोग करते हैं, आपको बताया जा चुका है कि आज इस अंक में हम आपको बहुपदीय व्यंजकों के गुणनखंड की संकल्पना, जिसमें कि हम तीन पद से अधिक के लिए नहीं, सिर्फ तीन पद के व्यंजकों के गुणनखंड के विषय में विस्तार से बताएंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, x धन a और x धन b, ये दो व्यंजक हैं। इनको अगर हम गुणा करते हैं तो इसको देखिए आप इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, x धन a x धन b बराबर होता है x धन a गुणा x धन x धन a गुणा b। इसका विस्तार करें तो ये हो जाएगा x गुणा x यानी कि x वर्ग धन a गुणा x यानी कि ax धन x गुणा b, इसको हम xb या bx भी लिख सकते हैं, धन a गुणा b यानी कि ab। ये हो जाएगा आगे x वर्ग, आप देख रहे हैं कि इसमें ax और bx दोनों में x कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है, हम लिख सकते हैं a धन b गुणा एक्स धन ए बी। आपने देखा कि इस प्रकार से हमने एक्स धन ए एक्स धन बी के गुणनफल की व्युत्पत्ति की, एक्स वर्ग धन ए धन बी गुणा एक्स धन ए बी। इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर तीन पद हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों को हम इस प्रकार से इन दोनों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और हमने आपको पिछले अंक में बताया है जिसमें आपने जाना कि अगर ये इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर है तो ये दोनों इसके गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस सूत्र या इस सर्वसमिका में b की जगह पर a लगा दें तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि x धन a, b की जगह पर a लगाया, x धन a बराबर x वर्ग धन a, b की जगह पर आप देख रहे हैं a लगा हुआ है, a धन a x धन a गुणा बी को ए गुणा ए लिख दिया, और इस प्रकार से यह सूत्र बन जाता है एक्स वर्ग धन दो ए एक्स धन ए वर्ग। ठीक इसी प्रकार से बी की जगह पर अगर हम अंतर ए यानी कि माइनस ए लगा दें तो ये व्युत्पत्ति इस प्रकार से हो जाएगी, एक्स वर्ग ए की जगह पर ए बी की जगह पर अंतर ए गुणा एक्स धन ए, बी की जगह पर फिर आप देख रहे हैं कि माइनस ए यानी कि अंतर ए लगाया है, ए और ए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यानी समाप्त, ये इनको दोनों का मान जीरो हो जाएगा, जीरो गुणांक होने से ये मान शून्य हो जाता है और ये बचेगा एक्स वर्ग अंतर ए वर्ग। ठीक इसी प्रकार से इस चौथे सूत्र की व्युत्पत्ति आप देख सकते हैं, एक्स अंतर ए गुणा एक्स अंतर ए, फिर यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने ए और बी दोनों की जगह पर अंतर ए का प्रयोग किया है, और इस प्रकार से ये सूत्र बन जाएगा एक्स वर्ग ए की जगह पर भी अंतर ए, बी की जगह पर भी अंतर ए, यहां पर भी ए की जगह अंतर है बी की जगह अंतर है, ये लिख सकते हैं एक्स वर्ग अंतर ए अंतर ए, दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस अंतर दो ए एक्स प्लस यानी कि धन ए वर्ग। इस प्रकार से आपने देखा कि यहां पर जितने भी ये त्रिपदीय व्यंजक थे, देखिए सभी ये त्रिपदीय हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, इसमें भी जीरो गुणांक है इस कारण ये द्विपदीय दिख रहा है, लेकिन इसमें भी तीन पद है, तो इन सबको हम इस प्रकार से सूत्रों में लिख सकते हैं और इनका हम गुणनखंड में प्रयोग करेंगे। अगर हम किसी भी व्यंजक को दो पदों के गुणनफल में लिखते हैं तो ये दोनों इसके गुणनखंड कहलाते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि गुणनखंड करना गुणा की विपरीत संक्रिया है यानी उल्टी प्रक्रिया है। दोनों को गुणा करने पर हमें अभीष्ट व्यंजक प्राप्त होता है और जिनसे हमें अभीष्ट व्यंजक मिलता है वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। अब हमें करना है x वर्ग धन बी एक्स धन सी प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड। देखिए, अगर हम तुलना करें तो अभी अभी हमने आपको इसमें यह सूत्र बताया, x वर्ग धन a धन बी एक्स धन ए बी, ये बराबर होता है x धन a और x धन b के गुणन फल के रूप में, ये दोनों इसके गुणनखंड हैं। इसको x वर्ग धन बी एक्स धन सी बिल्कुल x वर्ग धन a धन बी एक्स धन ए बी के ही रूप का व्यंजक है, इनकी आपस में तुल्यता कर दें
इसमें आपस में इक्वेट कर दें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर a प्लस बी की जगह पर b और ए बी की जगह पर हम c का प्रयोग कर सकते हैं। x वर्ग धन 8 आठ एक्स धन 12 इसके गुणनखंड करने हैं। आप देखिए तुलना करें x वर्ग धन 8 एक्स धन 12, इसकी तुलना अगर हम करते हैं सूत्र से जिसमें b का मान यहां पर आप देख रहे हैं 8 है और c का मान 12 है। x वर्ग धन a धन b x धन ए बी, ये बिल्कुल आपको अभी मैंने बताया कि ये दोनों एक प्रकार के ही रूप है। यहां से आप तुलना करें तो आप देख रहे हैं, देखिए यहां पर x वर्ग का गुणांक 1 है, x का गुणांक 8 है और यहां पर ये a प्लस बी है, a धन b बराबर 8 और यहां से आप देख रहे हैं ए बी बराबर 12। अब हमें दो ऐसी संख्याएं निकालनी है a और b जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। तो बहुत आसानी से आप देखते हैं कि यहां पर 6 गुना 2 12 होगा और 6 और 2 दोनों का योग भी 8 होगा, तो a बराबर हम 6 और b बराबर 2 ऐसी संख्याएं हैं जो इनको संतुष्ट करती हैं। a बराबर 6 b बराबर 2 और इस आधार पर क्योंकि इसका मान किसके बराबर है, पिछले सूत्र में आपको बताया कि x स्क्वायर यानी x वर्ग धन a धन b x धन ab को हम लिख सकते हैं x धन a x धन b, इसका मान इसमें हम प्रतिस्थापित करें तो ये हो जाएगा x धन 6 गुणा x धन 2। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से ये हमने किया है, x वर्ग धन 8x धन 12 बराबर x वर्ग धन 6 प्लस 2, ये 8 की जगह पर प्रयुक्त किया और 6 गुणा 2 12 की जगह पर, ये आ जाएगा x धन 6 x धन 2। इसके आगे अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरी प्रकार के व्यंजक जिसमें x वर्ग का गुणन फल या जिसको आप गुणांक कहते हैं वो एक नहीं a है, a x वर्ग धन b x धन c। देखिए दोनों में विशेष अंतर सिर्फ इतना ही है कि उसमें x वर्ग का गुणांक एक था और इसमें x वर्ग का गुणांक a है। इसके लिए देखिए आप उदाहरण, अगर हम 2x वर्ग या 2x वर्ग धन 7x धन 3 के गुणनखंड करें तो आप देख सकते हैं कि हमें इस प्रकार से लिखना होगा। देखिए 2x वर्ग धन 7x धन 3, इसको हम अगर इस तरह से लिखते हैं 2x धन 1, 2x धन 1 और 2x x धन 3, ये देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, इन दोनों का गुणनफल अगर देखिए आप करें तो क्या मिलेगा, 2x गुणा x यानी 2x वर्ग, 1 1 गुणा x यानी कि x, यहां से 3 गुणा 2 यानी कि 6x और 1 गुणा 3 यानी कि 3, कुल मिलाकर ये हो जाएगा फिर से 2x वर्ग धन 7x धन 3। इस प्रकार से आपने देखा कि इसके ये दोनों गुणनखंड हो गए। करने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके से है जिस प्रकार से अभी हमने पूर्व में बताया कि x वर्ग का गुणन उसमें गुणांक 1 था, इसमें x वर्ग का गुणांक 1 है, a है। इसको देखिए किस तरह से करते हैं कि हम इन दोनों का गुणा करते हैं a और c का, ये कितना हो गया 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 यानी कि 6, और हमने इस 6 के ऐसे गुणनखंड किए कि ये इनका योग 7 के बराबर आ जाए। तो आप देखते हैं कि यहां पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुणा 2 6 और ये हो जाएगा 6 प्लस 1 बराबर 7, 6 प्लस 1 बराबर 7। तो इसको इस प्रकार से आप देखिए 2 गुणा 3 बराबर 6 और 6 को हमने इस प्रकार से लिखा है कि 6 और 1 का गुणन फल तो 6 है लेकिन इनका जब योग करते हैं तो हमें 7 मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने लिख दिया 2x वर्ग धन 7x, फिर से आप समझ लें कि 7 को हमने किस प्रकार से निकाला है, 3 और 2 यानी a और c इनका गुणन फल हमने किया और ऐसी संख्याएं निकाली जिनका कि योग
सात के बराबर हो अर्थात बी के बराबर हो और गुणनफल सी और ए के गुणनफल के बराबर हो। देख सकते हैं आप 2x वर्ग धन 6 धन 1x धन 3 और इसमें आपने 2x वर्ग धन 6x धन x धन 3 बराबर इसमें से आपने उभयनिष्ठ लिया 2x। देखिए यहां से 2x लेंगे तो यहां x आएगा धन 3 धन यहां से 1 कॉमन आएगा यानी 1 उभयनिष्ठ x धन 3 और ये x धन 3 1 इसका फैक्टर हो जाएगा यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड ये हो जाएगा 2x धन 1। दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 2x धन 1। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम x वर्ग धन bx धन c और ax वर्ग धन bx धन c दोनों प्रकार के अगर व्यंजक दिए हैं तो हम किस प्रकार से उनका गुणनखंड निकालते हैं इसके विषय में आप आगे जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना आपको समझ आता चला जाएगा और आप अभ्यास करते रहिए। यहाँ पर इसके दोनों प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड इसी विधि से निकालेंगे कि हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि पूरे गुणनखंड में हम गुणनखंड करने में तीन तरीके प्रयोग करते हैं, सर्वसमिकाओं का प्रयोग, भाग पद्धति का प्रयोग और तीसरा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें कि तीन पद से अधिक नहीं हो उसमें सूत्र किस तरह से हम लगाते हैं, x धन a x धन b बराबर x वर्ग धन a धन bx धन ab।